नमस्कार, स्वागत है द फैक्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। दहेज की खबरें तो आपने बहुत सुनी होगी। जब भी किसी की शादी होती है तो अधिकतर लड़के वाले वधु पक्ष से पैसों की डिमांड करते हैं और लड़की वाले उनकी इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर लड़की वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं तो लड़के वाले अपनी बारात लेकर वापस लौट जाते हैं। वैसे दहेज लेना या बेवजह पैसों की डिमांड करना कानूनी अपराध भी है, लेकिन आज हम आपको जो मामला बताने जा रहे हैं वह इस मामले के एकदम उलट है। यानी कि यहाँ लड़के वालों ने नहीं बल्कि लड़की वालों ने लड़के वालों से पैसों की डिमांड की है और जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने यह शादी भी तोड़ दी। बता दें कि यह मामला राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके का है। पीड़ित लड़के का नाम इंद्राज है और लड़की का नाम किरण है। 20 फरवरी को दोनों की शादी होनी थी और 21 फरवरी को आशीर्वाद समारोह। शादी के लिए बैंड बाजा और बारात भी तैयार थे, लेकिन इसी बीच दुल्हन ने डिमांड रखी कि या तो लड़के वाले उसे 2 लाख रुपए दे अन्यथा वह शादी तोड़ देगी। यह सुनकर लड़के के पिता को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पिता को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही पीड़ित पक्ष ने थाने में यह मामला दर्ज करवाया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को दर्ज करवाई अपनी रिपोर्ट में बताया कि दुल्हन और उसके पिता ने सगाई से पहले भी मजबूरी का बहाना बनाया और उनसे हजारों रुपए कपड़े और जेवर एंट लिए। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई और उस समय लड़की के पिता ने लड़के के पिता से कहा कि शादी में कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं तो हम किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेना चाह रहे हैं तो आप इसके गारंटर बन जाइए। और ये बहाना बनाकर लड़की के पिता ने लड़के के पिता से एक खाली स्टाम्प पर साइन करवा लिए। अब इसके बाद लड़की वालों ने कहा कि शादी के लिए 2 लाख रुपए देंगे तभी यह शादी होगी और अगर वे पुलिस के पास जाते हैं और इसकी शिकायत करते हैं तो साइन किए गए स्टाम्प से वे उन्हें फ्रॉड केस में फंसा देंगे। इसके बाद लड़के के पिता को हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि थाने में सीधे मामला दर्ज नहीं हुआ था। पीड़ित ने इस्तगासा के जरिए थाने में मामला दर्ज करवाया। बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मुद्दे पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। नमस्कार।